वन प्लस बड्स जी की ये मेरे चैनल पे लाइक 7 से 8वीं वीडियो है, एंड मेरा जो वीडियोस है उन पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बड्स आपको क्यों नहीं लेने चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में बताते कि क्या रीज़न है, क्या 5 रीज़न है कि आप ये बड्स परचेज कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल येस टेक, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली जो चीज़ पे हम आते हैं वो इसका केस है। केस प्लास्टिक है, एंड अगर आप इसको ऐसा होल्ड रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि क्रैक हो जाएगा, तो इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था। ओके, तो वो चीज़ हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको स्किप नहीं कर सकते कि ये चीज़ की वजह से आप बैट परचेज कर ले। तो अगर आपकी पॉकेट में है गलती से, अगर आप बैठ गए तो समझो आपका बर्ड्स का केस गया, एंड ये दूसरा अवेलेबल अवेलेबल भी नहीं होता तो आपको दूसरे बर्ड्स ही परचेज करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो स्टार्टिंग में यूजर्स को आती है, उनको पता नहीं होता वो कनेक्ट कैसे करें। वो ले तो लेते हैं लेकिन उनको कनेक्टिंग का प्रॉब्लम आता है कि वो बर्ड्स को कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना हुआ, इस वीडियो में मैं नहीं बात करूंगा कि कैसे आप इसको कनेक्ट करें। ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए लैपटॉप से मोबाइल से कैसे आप कनेक्ट करें, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, तो कनेक्टिंग का प्रॉब्लम भी वन प्लस को सोल्व करना चाहिए कि फर्स्ट टाइम यूजर अगर कनेक्ट कर रहे डिवाइस से तो ये इजिली कनेक्ट हो जाना चाहिए, ना कि बिना लाइक पिन आपसे पूछे। अगर पिन पूछता है तो यूजर को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये उनको एक यूज्ड डिवाइस मिला, यूज्ड वर्ड्स मिले हैं, एंड वो इनको रिटर्न या रिप्लेस करने की ट्राई करता है, लेकिन सिमिलर थिंग उनको नेक्स्ट प्रोडक्ट में भी आती है। तो वन प्लस अगर आप मेरी सुन रहे हैं बात, तो प्लीज़ ये चीज़ को फिक्स कीजिए एनी अपडेट के थ्रू। ओके, तो सेंसर के हम बात कर रहे थे, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेंसर है, तो सेंसर कुछ इस टाइप से हैं। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं एंड कान से निकाल लिए तो सेंसर आपका काम करना बंद कर देता है। ओके, लाइक म्यूजिक आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, लेकिन गलती से अगर आप यहाँ पे वो अपनी फिंगर प्लेस करते हैं देन स्टिल आप म्यूजिक वो आपका ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा एंड आपको नॉइस बाहर आने लग जाएगी, जो बर्ड से म्यूजिक की नॉइस से वो बाहर आएगी। तो वो प्रॉब्लम है नंबर 3, ये प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई। ओके, एंड उसके अलावा जो ये बैक सेंसर है ये इतना परफेक्टली काम नहीं करता। तो अगर आप इसको वन टाइम टैप करते हैं, मे बी आप कॉल उठाना चाहते हैं तो वो नहीं उठेगी, गलती से 2 बार प्रेस कर दिया तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये टाइप की प्रॉब्लम्स पे आती है कि सिंगल टाइम पे ये कॉल कई बार नहीं उठाता, जिस टाइप का रिस्पॉन्स ये रहता है तो उतना अच्छा नहीं है। तो जो लास्ट थिंग मेरे को बोल करती है इन बर्ड्स के बारे में वो है इनकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज पर प्राइस प्राइस के अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर सकते हैं वन प्लस बड्स जी को बाई करना। अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे यूज़ करते तो ये बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी एंड आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यूज़ करना लाइक लॉन्ग टाइम के लिए, आप ये कर सकते कि सिंगल सिंगल बर्ड्स जो है वो एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक टाइम पे यूज़ ना करके। एंड नॉइज कैंसिलेशन इसकी अच्छी नहीं है, बट स्टिल एज पर प्राइस हम उस चीज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी उससे इफेक्ट होती है कहीं ना कहीं अगर आप नॉइज एनवायरनमेंट में आते हैं तो। सो गाइज, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपको वन प्लस के ईयरबड्स में बड्स जी में आपको कुछ भी असिस्टेंट नहीं मिलेगा, लाइक गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी या बिक्सपी, इस टाइप का कोई भी असिस्टेंट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपनी जो म्यूज़िक की वॉल्यूम है वो कंट्रोल कर सकते हैं बड्स जी से। तो ये था गाइज इस वीडियो के लिए मेरी ओर से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।